सितारों से भरी हुई जगमगाती शाम थी, जहां पर आगाज था दोस्तों जी सिने अवार्ड्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अवार्ड्स हैं। मतलब हम पास से देखे जाएं तो कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि जी सिने अवार्ड्स, फिल्म फेयर और आईफा। ये तीनों मेन अवार्ड्स होते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो ऐसे में दोस्तों जी सिने अवार्ड्स कम्प्लीट हो चुके हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर मेल फीमेल की कैटेगरी सामने आ चुकी है और विनर का भी नाम पता चल चुका है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी की, और इस कैटेगरी के अंदर रणबीर कपूर को मिल चुका है संजू के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड। वेल डिजर्विंग संजू भाई, मतलब कि रणबीर भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया था। बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मिला है दोस्तों दीपिका पादुकोण को फॉर द फिल्म पद्मावत। पद्मावत में रानी पद्मावती का कैरेक्टर उन्होंने निभाया था, जो कि शानदार परफॉर्मेंस था, गूज़बम्प्स क्रिएट करता था, और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में बात की थी, आप पुरानी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेल फीमेल तो बेस्ट एक्टर हो गया, लेकिन व्यूअर्स चॉइस मेल एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड 2018 मिला है, जानते हैं किसे? धतड़ तथड़ बॉय रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को दोस्तों पद्मावत के लिए अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर के लिए व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है। तो भाई अगर देखा जाए तो मियां बीवी दोनों के पास ही ट्रॉफी हो गई, और ट्रॉफी दोनों ही घर लेकर चले गए हैं। ओके, सो इसकी पूरी लिस्ट भी आ चुकी है, मेरी अगली वीडियो उसी से रिलेटेड होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में इन्हें बधाई दे सकते हैं, और आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूंगा।